गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लोग अपनी किताब पल्लवी संस्कृत के पार्ट दो पेज संख्या 6 धर्मे धनम पापे पुण्यम इस पार्ट में चंचल और बाघ के बीच की वार्ता है। चंचल जो है उस बाघ को जाल में फंसा लिया है। पुनः बाघ के निवेदन पर चंचल ने उसे छोड़ देता है। बाघ को पानी पिलाता है। बाघ जब पानी पी लेता है तब चंचल से कहता है कि मैंने अब तुझे खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम मुझे खाना चाहते हो। अगले पद में देखें, व्याघ्र अवदत्त। बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, धर्मे धनम पापे पुण्यम भवति एवं। धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी जलम अपृच्छत। नदी के जल ने कहा, नदी जलम अवदत्त। नदी ने कहा, एवमेव भवति जनामयि अस्नानं कुर्वन्त वस्त्राणि प्रच्छालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसर्जनं निर्वन्ते। अतः धर्मे पापं धर्मे धनं पापे पुण्यं भवत् एवं। जल चंचल ने नदी से पूछा, नदी ने कहा कि ऐसा ही होता है। लोग जनामयि अस्नानं कुरोत्, लोग मेरे में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन, वस्त्रों को धोते हैं, कपड़ों को धोते हैं और मलमूत्र करके चले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। चंचल वृक्ष उपगयम अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष से पूछा, वृक्ष अभवत। वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य मेरे छाया में रहते हैं। अस्माकं फलान खादत, मेरे फलों को खाते हैं। फिर भी पुनः कुठारे प्रहात अशम सर्वदा कष्टम, और मेरे को कुल्हाड़ी से काटते हैं, उस समय मुझे बहुत कष्ट होता है। यत कुदापि छेदन कुर्वन्त, और मुझे छेदते हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो है आप बुक से पढ़िएगा, कठिन शब्दों को बुक से तैयार कीजिए और इसका प्रश्न उत्तर एक पैराग्राफ और है, पढ़ाने के बाद आप लोगों को लिखा दिया जाएगा। धन्यवाद।